जी जो नेक्स्ट गेस्ट मैं बुला रही हूँ, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो एक तो या तो पिकनिक पे जाना हो तो इनिशिएटिव ले, शादी ब्याह में कोई हंगामा करना हो या मुकाबला करना हो तो मुकाबले में सबसे आके आगे खड़ा हो। तो ऐसे ही हमारी फैमिली में भी एक देवर जी होते थे, लेकिन अब तो वो बड़े मैच्योर डायरेक्टर बन चुके हैं लेकिन सबकी शादियां जो घर में हुई हैं उसमें सबसे आगे सीना तान के मुकाबले के लिए वही खड़े होते थे, क्योंकि खानदान में और कोई एक्टिव इतना था ही नहीं। और खास कर जब हमसे मुकाबला हुआ शादी में तो इन्होंने अकेले खड़े होके जो है ना वो मुकाबला किया मेरी पूरी फैमिली से। आइए वेलकम करते हैं दो बहुत ही प्यारे सेलिब्रिटीज जो एक साथ ग्रुप में हैं, रहमा जमान एंड दानिश नवाज। अस्सलाम वालेकुम। ओ हो हो। भाभी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिट एंड फाइन। आपने पूछा नहीं कि रहमा को और आपको हमने इस एक ग्रुप में क्यों डाला? बालों की सुंदरी दोनों के बाल एक जैसे, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ, मैंने यही सोचा। ये सुबह हिंट भी मुझे इन्होंने ही दी, मतलब सुबह से, मतलब कि अभी यहाँ लोग तो साथ सैलून से आ रहे हैं दोनों, साथ सैलून गए थे, यहाँ के सैलून में गए थे ना तो वो ये कह रही है आपके बाल कर ली नहीं थे? मैंने बोला ये इस बालों की मर्जी है, जब उठे जैसे कभी सीधे हो जाते हैं, हमने कभी इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। नहीं वैसे आज तुम कर ली उठोगे? नहीं नहीं कभी, वैसे वाकई आपके रहमा जैसे कर ली होते। हाँ हाँ ये क्या है? कभी होते तो कभी होते, बालों का भी मूड चेंज होता है, ग्लो लाइफ नहीं करवाए कभी का? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कराया यार, मैं तो कंफ्यूज हो गया। बाल नहीं, बालों का प्रोडक्ट चेंज होता है तो ऐसा हो जाता है। तो रहमा तुम्हारे क्या नेचुरल है? नेचुरल के ज्यादा होंगे ना, लेकिन मैं ख्याल भी बहुत रखती हूं। ये ख्याल नहीं, टोंग भी बहुत करती हूं। नहीं मैं नहीं करती, मैं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं करती। सब पता है टोंग और क्या क्या होता है बताओ? लड़कियां जो शादी में खासतौर पर हेयर स्टाइलिंग बनवाती हैं और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक बाल स्ट्रेट होते हैं, टोंग होता है, स्ट्रेटनर होता है, टोंग होता है, ब्लो ड्राई होते हैं और क्या? अच्छा मेकअप का क्या क्या सामान यूज करती है चलो बताओ। अरे मेकअप में लिपस्टिक होता है, लिप ग्लॉस होता है, ब्लश ऑन होता है, आई लैशेज होते हैं, आई शेड होते हैं, विग्स भी होती है, और मुंह 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 धोने का पता नहीं है, नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें बेस बेस नहीं होती? हाँ बेस भी होती है। लड़कों को इतना पता होता है क्या भाई? तो एक दफा क्या हुआ, मैं एक शूटिंग में गया, मैंने नो मेकअप लुक चाहिए, नो मेकअप दानिश भाई, नो मेकअप लुक चाहिए, ठीक है। अब वो लड़कियां जा रहे हैं मेकअप रूम में जाती हैं, हम तो अंदर नहीं जाते, हम डायरेक्टर में बाहर ही बैठे रहते हैं। तो उसके बाद एक दिन मैंने बोला भाई नो मेकअप लुक है ना? हाँ जी जी दानिश भाई, कुछ लगा तो एक दिन कोई पता नहीं क्या चक्कर था, तो मैं अंदर मेकअप रूम में गया बताने ना, तो मैंने देखा कि हमारी हीरोइन फुल बेस वाला वो खोली भी होती है ना, जो ये होता है एक मिनट वो खोली और यूं लगाई बिल्कुल ही ब्रूस ली बनी हुई है। ये मैंने बोला ये क्या है? मैंने तुम तो रोज मुझे कहती हो दो मेकअप दो, नहीं ये तो मैं लगती है ना वैसे। अच्छा यानी ये मेकअप का हिस्सा नहीं है? मतलब नहीं ये मेकअप आजकल नो मेकअप लुक एक मेकअप का ही लुक, मेकअप का ही हिस्सा है। वो लड़कियां जो बता रही होती है ना कि ये मेकअप नहीं किया हुआ, वो असल में मेकअप किया हुआ होता है, उसके बाद कुछ और चीजें होनी होती है। मतलब दुल्हन वाला मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन बेसिक थोड़ा बहुत होता है, नॉर्मल थोड़ा बहुत ही होता है। प्लीज आइए बैठिए, हमारी कौन सी टीम होगी आपके बताएं? चलिए आपके पास लड्डू और चमचम बची है। आई लव लड्डू, असल में लड्डू आप सही है, लड्डू सही लगता है, ठीक है सही है। मुझे लोग बचपन में लड्डू कहते थे, अच्छा लगता है। आई एम श्योर अनम तुम कितनी माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट हो गई हो यार, ये आपकी मोहब्बत है। मोहब्बत वोब्बत कुछ नहीं, सब कुछ खाना पीना छोड़ा हुआ, गुलाब जामुन नहीं खाई, स्लिम तो आप भी हो गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।